dear student as we know the idea of multivariate analysis the question arises how to find the descriptive statistics or summary statistics now the mean vector and covariance matrix in multivariate analysis how to find the mean vector and the covariance matrix in multivariate analysis now the summary statistics says that the descriptive statistics are measured that describe the data In multivariate analysis, the most commonly used measure are the mean vector, covariance matrix, and correlation. Mean vector, जैसे आप univariate में just mean find करते थे, अब यहाँ पे हमने multivariate में mean vector find करना है. Covariance matrix find करनी है हमने. आप univariate में भी covariance find करते थे, but हमने यहाँ पे अब covariance matrix find करनी है. And then find the correlation. एंड ऑब्वियस एक्सटेंशन ऑफ यूनिवेरियट नोटेशन यानी ऑब्वियस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ यूनिवेरियंट मीनस कि यूनिवेरियंट हमने पहले फाइंड किया अब उसी के एक्सटेंशन है मल्टीवेरियट एनालिसिस में टू फाइंड द मीन वेरियंस द आयथ वेरिएबल मीन द सैम्पल मीन ऑफ द आयथ वेरिएबल वो क्या होगा हमारे पास सैंपल मीन ऑफ द आयथ वेरिएबल मीन तो हमें पता है कि मीन हमारे पास सैम्पल क्या होता है यूनिवेरियंट में एक्स बार आपके पास क्या होता था सम एक्स आई ओवर एन बट हेयर इज सैम्पल मीन ऑफ द आयत वेरिएबल के लिए हमने फाइंड करना है तो आयत वेरिएबल के लिए मीन क्या है एक्स बार आई वन ओवर एन जे वेरीज वन टू एन एक्स आई जे अब जे वेरीज वन टू एन एज यू नो हमारे पास मेट्रिक्स होता है पूरा ठीक है ना हमारे पास हमने रो साइड पे आयत वेरिएबल हैं और हमारे पास जे साइड पे कॉलम्स अगर हमारे पास आते हैं तो आई जे मल्टी एनालिसिस है आयत एंड जे एथ हम ले रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ आपके पास कहीं आएगा एक्स आई जे सो द आयथ वेरिएबल के लिए सैम्पल मीन क्या है एक्स पार आई सम आई वेरी दिस इज दीन ऑफ द आयथ वेरिएबल सेम एज दैंपल वेरियंस ऑफ द आइए वेरिएबल आइएथ वेरिएबल का सैंपल वेरियंस हमने फाइंड करना है देन उसके लिए नोटेशन हमारे पास क्या बेसिकली ये हम नोटेशन देख रहे हैं ना डिस्क्रिप्टिव में हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा आई आई अब यह सिग्मा आई आई क्या है आप आई स्केयर भी लिख सकते हैं हम इसमें और हम इसको सिग्मा आई आई भी कह सकते हैं नो सिग्मा यू नो दैटमाच इज इक्वल्स देश आई जे माइनस एक्स बार आई होल स्केयर सिंपल वेरियंस क्या था आपके पास सिंपल वेरियंस क्या होता था आपके पास एक्स स्केयर सिग्मा स्केयर विच इज इक्वल्स टू सम एक्स आई माइनस एक्स बार सैम्पल वेरियंस होल स्केयर डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास स्मॉल एन तो सैम्पल वेरियंस के लिए अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ क्योंकि सिग्मा स्केयर की नोटेशन है सिग्मा स्केयर विच इज इक्वल्स टू दी पॉपुलेशन वेरियंस तो कैपिटल एन होता था यूनी केस में तो यहाँ हम ले रहे हैं आपके पास मल्टी में तो यहाँ एक्स बार को मैं म्यू से एक्स बार को म्यू से हम नोटेशन दे, दे देंगे क्योंकि ये आपके पास पॉपुलेशन वेरियंस है यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है फाइनली द वेरियंस ऑफ द आई एंड जे वेरिए आपको पता है बिटवीन टू वेरिएबल्स हम चेक करते हैं नाउ द को वेरियंस न्यूटेशन इज दिग्मा आई जे विच इज इक्वल टू वन ओवर एन सम आई समय टू एन एक्स आई जे माइनस एक्स पार आई एंड द एक्स आई जे माइनस एक्स जे दीज आर दूटेशंस

सैम्पल पॉइंट्स द पी इन टू पी मैट्रिक्स अ पी इन टू पी मैट्रिक्स मैंने लास्ट टाइम आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया वह पी इन टू पी मैट्रिक्स क्या होती है सिग्मा आई आई को हम एक्स एक्स वैक्टर की नोटेशन भी दे रहे हैं यानी यहाँ पे आपके पास सिग्मा आई आई बेसिकली क्या हो जाएगा सिंगल वेरिएबल के लिए हम अगर फाइंड कर रहे हैं विद एलिमेंट्स गिवन सिग्मा आई आई एंड सिग्मा आई जी इज कॉल्ड द सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स यानी ये एस आपके पास सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स की नोटेशन है ना दो को बिटवीन एक्स आई न एक्स जे आर k. आई के ना i आई के विच इज इक्वल टू द इंटेगरल अब आपके पास आई इफ एक्स आई एंड एक्स के आर दिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हमारे पास है रैंडम वेरिएबल अब एक्स रैंडम वेरिएबल अगर हमारे पास कंटीन्यूस है तो हमने क्या यूज़ करना है इंटीग्रल तो फिर हम इंटीग्रल यूज करते हैं और अगर हमारे पास रेंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो फिर हम यूज करते हैं समीशन तो फिर हम सम के अंदर इसकी बात करते हैं नाउ नेक्स्ट स्टेटिस्टिक्स इज अ पी इन टू एन डेटा मेट्रिक ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज अ रेंडम वेरिएबल एंड इट्स ओन मार्जिनल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको पता है यूनिवेरिएट केस है तो यूनिवेरिएट केस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है यूनिवेरिएट केस में म्यू आई फॉर द आयथ वेरिएबल म्यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड द सेगमा आई स्क्र एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स आई माइनस म्यू आई होल्स वे आई वेरीज वन टू पी सिमिलरली एक्स आई हमारे पास क्या इस कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल तो हम यहाँ पे इंटीग्रल यूज करते हैं अगर एक्स आई हमारे पास डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है तो हम समीशन सम का साइन यूज़ करते हैं सिमिलरली सिगमा आई स्क्र वेरियंस वेरियंस क्या एक्स आई इस कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल तो इंटीग्रल यूज़ हो रहा है और एक्साइज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो हम सम की नोटेशन यूज़ करते हैं ये सारी नोटेशंस हैं ये सारी न्योटेशंस हम फर्दर आगे अनालिस में यूज़ करेंगे तो बस आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि समरी की स्टेटिस्टिक्स में आपको बेसिकली न्योटेशंस का पता चल जाए मीन कैसे फाइंड करना है उसकी क्या आपके पास नोटेशन आ रही है वेरियंस कैसे फाइंड करना है को वेरियंस कैसे फ़ाइंड करना है उसकी बेसिक नोटेशंस क्या होंगे हमारे पास अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं अब मैट्रिक्स कैसे बनेगा बेसिकली द मीन वैक्टर एंड द कोवेरियंस मेट्रिक्स इन मल्टी वेरियंट यूजिंग दीज न्यूटेशन वेन वेरिएबल एज कॉलम एन इंटू पी डेटा मेट्रिक्स अब डेटा मेट्रिक्स में आप जाओ तो वहां पर हमने क्या किया था वेरिएबल एज कॉलम तो वेरिएबल एज कॉलम होगी तो फिर हमारे पास क्या न्यूटेशन है और अगर वेरिएबल इन रोज होंगी तो तब हमारे पास क्यों न्यूटेशन है इन न्यूटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है नॉ यूजिंग दीज न्योटेशन वेन वेरिएबल एज कॉलम एन इंटू पी डेटा मेट्रिक्स म्यू वैक्टर वन ऑफ एन एन एक्स वैक्टर ट्रांसपोज इन टू वन वन हमारे पास क्या बेसिकलीक्टर ऑफ वनि वन हमारे पास एक वैक्टर होगा बेसिकली एक हमारे पास वैक्टर होगा वंस का और ये वन कहाँ तक जा रहे हैं अपटू सुन एन टाइम्स तक वंस का वैक्टर हमारे पास दिस इज दूटेशन ऑफ मेन वैक्टर न सिग्मा वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स वन ओवर एन एक्स प्राइम एक्स प्राइम मीन्स ट्रांसपोज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्राइम या तो हम इसको प्राइम की साइन यूज कर रहे हैं या हम इधर ट्रांसपोज टी लगा लें तो ट्रांसपोज यूज हो जाएगा बेसिकली प्राइम का मतलब ट्रांसपोज ही होता आइडेंटिटी माइनस वन ओवर एन वन इंटू वन ट्रांसपोज इन टू एक्स तो ये हमारे पास वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स की नोटेशन है हमने कैसे वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करना है वेयर आइडेंटिटी इज एन इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब ये आइडेंटिटी कितनी है एन इंटू एन मेट्रिक्स की होगी ये आपके पास वन इन एन वैक्टर्स हैं और यहाँ पे आपके पास क्या है एन इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब फर्दर ये कैसे सॉल्व हो रहा है आप इसको सिंपली कर लो इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है वो सारा आप देख लो ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया देन आपके पास ये जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एक्स है इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है और फर्दर हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं एज यू नो दैट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई चेंज नहीं होता रिमेन्स ही सेम ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या रह गया है एक्स प्राइम एक्स ठीक है ये वाला वेल्ट क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता फाइनल हमारे पास यहाँ से रिजल्ट के आ गया अच्छा ये फैक्टर किसके इक्वल होगा और ये फैक्टर किसके इक्वल होगा यहाँ पे हमने लिखा है म्यू इन टू म्यू प्राइम अब एक्स ट्रांसपोज वन तो एक्स ट्रांसपोज वन किसके इक्वल था म्यू के इक्वल पल वन ट्रांसपोज एक्स वो किसके इक्वल होगा विच इज इक्वल टू म्यू प्राइम तो ये हमारे पास बेसिक रिजल्ट आ गया वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स का और ये कब हमारे पास यूज होगा वेन वेरिएबल एज कॉलम हमने इस तरह यूज़ करना है नेक्स्ट यूजिंग द नोटेशन वेन वेरिएबल एज रो अब वेरिएबल हमारे पास कहाँ है रोज में डेटा मेट्रिक्स में अगर आपको याद हो मैंने वहाँ टू एग्जाम्पल्स दी थी तो ये हमारे पास अब सेकेंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं जब वेरिएबल हमारे पास रोज में होंगे तो तब नोटेशन क्या होगी म्यू मीन वैक्टर विच इज इक्वल्स टू वन ओवर एन एक्स इंटू वन अब यहाँ पहले प्रीवियस में क्या था एक्स प्राइम और यहाँ हम ले रहे हैं एक्स इंटू वन वे वन इज़ एन एन वैक्टर ऑफ वन सेम वही है आपके पास यहाँ पे वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स भी है वहाँ एक्स प्राइम यहाँ पे था और यहाँ पे एक्स था यहाँ पे आपका चेंज हो गया सेम इसी तरीके से आपने क्या किया एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया देन ये एक्स प्राइम हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और आफ्टर दिस सोल्यूशन आप इसको चेक कर लो सारा सोलूशन हुआ वह ये रिज़ल्ट आ जाएंगे ठीक है ये रिज़ल्ट हमने तब यूज़ करना है जब हमारे पास वेरिएबल एज रोज होंगे और प्रीवियस रिजल्ट हम वेरियंस को वेरियंस कि तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल एज कॉलम यूज होंगे नाउ नैक्स्ट दी स्टेटिस्टिक्स मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स सिमिलरली पॉपुलेशन मीन वैक्टर इज डिफाइंड एज अब पॉपुलेशन मीन फैक्टर इज डिफाइंड एज फाइंड हमने वही करने समरी समेटिस्टिक्स बट हमने इसमें फाइंड करना है मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स कोरिलेशन मैट्रिक्स जैसे हमने पहले फाइंड किया सिमिलरली पॉपुलेशन मीन वैक्टर इज डिफाइंड एज पॉपुलेशन मीन वैक्टर है तो आपको पता है पॉपुलेशन में हम सिंपल पॉपुलेशन क्या है सम एक्स ओवर एन कौन सा एन कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज सो मीन वैक्टर पॉपुलेशन मीन वैक्टर इज डिफाइंड एज वन ओवर कैपिटल एन सम आई वेरी वन टू एन एक्स आई ठीक है पॉपुलेशन कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारे पास सिंपल आपके पास है वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स वन ओवर एन समय वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू एक्स आई माइनस म्यू प्राइम यूनिवेटेड केस में आप क्या करते थे सम एक्स आई माइनस म्यू होल स्क् होल स्क्र को हमने कैसे लिख दिया है एक्स आई माइनस म्यू इन टू एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज नाउ नेक्स्ट इसको फर्दर आप सॉल्व करो यानी इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना जैसे हम स्क्र ओपन करते थे इसी तरह आपने इसमें ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे वो कैंसिल आउट कैसे हो जाएंगे प्लस माइनस का साइन आएगा म्यू की जगह उसकी वैल्यू हम एंटर करेंगे देन वो वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा इसमें जस्ट टू स्टेप्स हैं वो टू स्टेप्स हम सॉल्व करने के बाद इस फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे एंड द पॉपुलेशन को रिलेशन मैट्रिक्स पॉपुलेशन को रिलेशन आपको पता है पॉपुलेशन को रिलेशन को किससे डिफाइन करते थे रो से यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी डी इनवर्स अब डी इनवर्स क्या है डी इनवर्स हमारे पास बेसिकली है ये इन्होंने बताया डायगोनल ऑफ सिग्मा आई आई स्केयर रूट यानी डी इनवर्स हमारे पास यानी डी क्या है विच इज इक्वल्स टू सिग्मा वन वन स्केयर रूट डायगोनल सिग्मा टू टू स्केयर रूट ऑफ डाइगनल जीरो तो ये हमारे पास डी आ जाएगा जैसे उसने कहा है डी विच इज इक्वल्स टू डायगनल तो हमारे पास डी इन वर्स यहाँ से डी आ गया सिग्मा हमारे पास वेरियंस को मैट्रिक्स है और हमने डी इन वर्ड्स इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो को रिलेशन मेट्रिक डिटर्मिन कर लेंगे सैम्पल सम ऑफ स्केर एंड प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अब सैम्पल सम ऑफ स्केयर एज यू नो दैट दी सम ऑफ हमारे पास क्या होता था सम एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर सैम्पल सम ऑफ स्केर अब इसको लिखने का मैथड मल्टीवेटेड में क्या है इसकी नोटेशन हमने ले लिया कैपिटल ए सम आई वेरीज वन टू एन एक्स आई माइनस एक्स पार इन टू एक्स आई माइनस एक्स पार ट्रांसपोज प्रीवियस ट्रांसपोज में इस तरह साइन था यहाँ पे इसको टी से नोटेशन दी थी तो दोनों की जिस तरह कहो कि नोटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है नोटेशन में डिफरेंस है बट बात एक ही है कि आप साइन ट्रांसपोज का टी के साथ कर लो या प्राइम के साथ शो कर लो ना फर्दर इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सेंटर में टू फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे नाउ दैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अब ये हमारे पास था सम ऑफ स्क्वायर ठीक है सम ऑफ स्क्वायर के बाद हमने फाइंड करना है सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स अब सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स आपके पास सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल वन ओवर एन यानी सम ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एन आपके पास क्या आ गया सैंपल कोवेनियंस मैट्रिक्स ठीक है फर्दर हमारे पास इसी तरह इसकी थोड़ी सी हम जिसका कहते हैं कि अल्जब्रा करना है थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन है इसमें अल्जब्रा फाइंड करना है अल्जब्रे से सॉल्व करके हमारे पास फाइनल सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स ये रिजल्ट आ जाएंगे आप ये वाला रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो फाइनली हमें पता है कि ये फैक्टर किसके इक्वल है विच इज इक्वल टू द ए और ए इन टू वन ओवर एन दिस इज द ए सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स

वेयर डी आपके पास किसके इक्वल है वेयर डी विच इज इक्वल टू द डायगनल ऑफ सिग्मा आई आई जैसे अभी हमने प्रीवियस किया अब ये सारा किया ब्रीफ समरी अब ब्रीफ समरी में आपके पास बेसिकली जो हमने सब कुछ फाइंड किया है ना उसको मैंने यहाँ पे ब्रीफ करके लिख दिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि इतने सारी चीज़ों में से हमने कौन सी वैल्यूज यूज़ करनी है कौन सी नोटेशन यूज़ करनी है ये एक छोटी सी ब्रीफ समरी मैंने दे दी है जिसमें मीन वैक्टर हमारे पास है म्यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यूफ एक्स आई इंटीग्रल का यूज़ करते हैं जब एक्स आई रेंडम वेरिएबल कंटिन्यूस हो और हमारे पास सम का भी यूज करते हैं जब हमारे पास रेंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो सिंपल हमारे पास समरी स्टेटिस्टिक्स के अंदर ही है, आपके पास म्यू पी इंटू वन म्यू पी क्या है पी रोज और वन कॉलम तो आपके पास ये देखो पी रोस और वन कॉलम है तो म्यू की वैल्यूज ये आ गई म्यू वन म्यू टू सो अपन म्यू पी वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स हमने ये वाले रिजल्ट यूज़ करें समटाइम्स हम प्रीवियस रिज़ल्ट भी यूज़ कर लेंगे और समटाइम्स हम ये भी यूज़ कर लेंगे लेकिन मोस्टली डिपेंड करते हैं उसकी नेचर पे एनालिसिस की नेचर पे या क्वेश्चन की नेचर पे कि हमने कौन सा रिजल्ट बेसिकली यूज़ करने है इसमें